जमाना रश्क करता है वो 10 हिजरी के मंजर पर, बराए हज नबी के संग चला जब लाख का लश्कर। अल्लाहु अकबर। नबी गुजरे, रसूल गुजरे, अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सभी खैर आफियत से होंगे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में दुआ है कि अल्लाह ताला आपको सलामत रखे और दीन और दुनिया से माला माल फरमाए, आमीन या रब्बुल आलमीन। दोस्तों आज मैं आपको बताऊंगा कि शुआब भाई के आज की हज अदा करने की लाइव लोकेशन क्या है, शुआब भाई अब हज का कौन सा अरकान पूरा कर रहे हैं। और मेरे प्यारे दोस्तों इस वीडियो में 2023 तक के हज की लाइव जानकारी भी बताऊंगा। जी हाँ मेरे प्यारे दोस्तों, इस वीडियो में 2023 की बड़ी अपडेट भी आपको बताऊंगा। इसलिए मेरे प्यारे दोस्तों मेरा यह आज का वीडियो बहुत ख़ास और बहुत शानदार है। और मेरे प्यारे दोस्तों 2023 के हज को लेकर सऊदी अरब से बहुत ही शानदार वीडियो आई है पूरी दुनिया के हाजियों की, और इसी वीडियो के अंदर आपको शुआब भाई की बहुत ही बड़ी अपडेट, बहुत ही खबर भी मिल जाएगी और ये शानदार वीडियो आपको दिखाने जा रहा हो। इसलिए मेरे प्यारे दोस्तों मेरी आपसे गुजारिश है कि आज का मेरे ये वीडियो पूरा आखिर तक ज़रूर देखना और इसी के साथ साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी ज़रूर दबा दें, और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करें। चलिए दोस्तों सबसे पहले आप ये वीडियो देख लीजिए, फिर आगे मैं आपसे इस टॉपिक पर बात करता हूँ। इंशाल्लाह हमारी कुर्बानी भी हो गई, अब हमें हलक कराना है और एहराम की पाबंदियाँ जो है वो हम पर ख़त्म हो जाएंगी। हम अपनी नॉर्मल ड्रेस पहन सकते हैं और ये देख सकते हैं आप, फिर से हम एक बार मीना के अंदर हाजिर हैं और ये सामने आप देख ही सकते हैं हाजी लोग अपने खेमों में जाने के लिए बेताब हैं क्योंकि बरसों से चले हुए हैं, थके हुए हैं बहुत ज़्यादा, आज लौट कर आए हैं। बाहर दोनों साइड पर देख सकते हैं, देख सकते और आप देख सकते हैं माशाल्लाह। अभी वक्त हुआ है तकरीबन 4:25 और आप देख सकते हैं सभी हजरात अभी तक अपने हरक कराने में बिजी हैं क्योंकि किसी की कुर्बानी की खबर नहीं आ पाई थी कि कुर्बानी हुई है या नहीं हुई है, और हमारी कुर्बानी माशाल्लाह सुबह ही हो गई थी तो हमने अपना हलक करा लिया है। और बहुत से हाजी आप देख सकते हैं अभी भी हलक के लिए इंतज़ार कर रहे हैं, ये देखिए ये आ रहे हैं भाग से हाजी। ये सब लोग हलक करा रहे हैं, हलक के बाद में ये अपने एहराम की पाबंदियों से फारिग हो जाएंगे और फिर इंशाल्लाह कल रमी करेंगे, तीनों शैतान को मारेंगे कंकरी और उसके बाद में चलेंगे। मेरे प्यारे दोस्तों जैसा कि आपने देखा ये खूबसूरत वीडियो, और मुझको पूरी उम्मीद है आपको ये वीडियो बेहद पसंद आया होगा। दोस्तों साथियों ये तो आपको पता चल गया होगा कि जो वीडियो अभी आपने देखा है वो 2023 के हज को अदा करते हुए हाजियों का है। मेरे प्यारे दोस्तों सब हाजियों ने ईद से पहले सारे अरकान पूरे करने होते हैं, वो अल्लाह के फजल करम से पूरे कर लिए हैं सारे हाजियों ने, और शुआब भाई ने शैतान को कंकरियां भी मारी, उसके बाद वहां पर अपनी नमाज भी अदा की और वहां के हाजियों ने ईद के दिन कुर्बानियां भी की और हमारे प्यारे शुआब भाई ने भी कुर्बानी की। और मेरे प्यारे दोस्तों आपने देखा होगा इस वीडियो में सारे हाजियों ने अपने सारे बाल भी कटवाए और सब ने शैतान को कंकरियां भी मारी। और मेरे प्यारे दोस्तों शुआब भाई और पूरी दुनिया के हाजी मीना शहर से बस में बैठकर मक्का की तरफ जाते हैं, और फिर शुआब भाई ने काबे का तवाब भी किया, और फिर शुआब भाई का ये बचपन का ख्वाब पूरा होता हुआ आज हम अपनी आँखों से देख रहे हैं। बस मेरे प्यारे दोस्तों आप सभी इसी तरह से शुआब भाई के लिए अल्लाह ताला से दुआएं करते रहिए। तो मेरे प्यारे दोस्तों आपकी क्या राय है इस वीडियो के बारे में मुझको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइए, और मेरे प्यारे दोस्तों शुआब भाई के इसके आगे के अपडेट्स जानने के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए दोस्तों दुआओं में याद रखें। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज़।